नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे सीएम नीतीश कुमार? नीतीश कुमार टिक पाएंगे? टिक जाएंगे? हाँ, पीएम उम्मीदवार बनेंगे लग रहा है? हाँ लग रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार काम करेंगे क्या, मोदी काम किया है देश के लिए? मोदी भी किया है, मोदी भी किया है। हाँ, तो मोदी नहीं पीएम बन सकता है, नीतीश कुमार बनेंगे? अरे नीतीश कुमार को भी बनाना जरूरी है ना। अच्छा, हाँ अगर मोदी खड़ा है सामने में, नीतीश कुमार खड़ा है, किसको चुनेंगे? नीतीश कुमार को देंगे। तो पीएम बनाइएगा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार लगता है कि विकास किए हैं, काम करेंगे? किए हैं, विकास तो बहुत किए हैं। किसको चुनिएगा 24 में? हम लोग तो चुनेंगे इसी को। अच्छा, नीतीश कुमार को सीएम के रूप में कि पीएम के रूप में? सीएम के रूप में। सीएम के रूप में। अब पीएम? पीएम मोदी रहेगा। पीएम मोदी रहेगा। अच्छा, मोदी काम किए हैं देश के लिए? वो तो बहुत ठगा है। ठगे है? है? कुछ काम नहीं किए ना, घर घर अनाज दे दिए, गैस सिलेंडर दे दिया है। उसे ठगा, 15 लाख रुपया खाता में जाएगा, सब जन जन खाता खोलवा दिया, वो सारा खाता खाली रह गया। वोट किसको कीजिएगा 24 में के लिए, वो बात जाने? नीतीश कुमार 24 में अगर पीएम उम्मीदवार होंगे तो नीतीश कुमार की मोदी को? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को जी। अभी कह रहे थे कि मोदी को, एक तरह देश के लिए जो है अभी मोदी है, 24 में खड़ा होंगे पीएम उम्मीदवार कौन, नीतीश कुमार या पीएम मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, यस। क्या लग रहा है, वो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। क्या काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे काम, हमारे संविधान के मुताबिक, जो संविधान हमारी अधिकार की बात करता है उसके मुताबिक ये काम कर रहा है। अच्छा, अधिकार के तो विरुद्ध नहीं काम कर रहा है ये। अच्छा, तो अधिकार के जो काम कर रहा है उसको? मोदी काम नहीं किए हैं। मोदी क्या काम किए हैं? जो भी आदमी आएंगे महागठबंधन में, महागठबंधन के जो भी रहेंगे, नीतीश कुमार को नहीं चुनिएगा? वो तो है ही। क्या लग रहा है, राहुल गांधी की तरफ नजर है क्या आपका? 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, एक ओर इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए, एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाता है या नहीं। अगर पीएम उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या होगा, हम लोगों से बात करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे सीएम नीतीश कुमार? नीतीश कुमार टिक पाएंगे? हाँ, टिक जाएंगे? हाँ, पीएम उम्मीदवार बनेंगे लग रहा है? हाँ लग रहा है। अच्छा, हम लोगों को क्या गुण है सीएम नीतीश कुमार में? नीतीश कुमार में बहुत से गुण है। क्या? आज तक महादलित अति पिछड़ा पिछड़ाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, मांझी कर रहे दलित का अपमान करते हैं, पीएम बन जाएंगे? कहाँ मांझी को अपमान करते हैं, नहीं किए थे? मांझी महादलित से नहीं है? महादलित से नहीं है? हाँ, महादलित मांझी नहीं है। अच्छा, 24 में युवा है आप, किसको वोट कीजिएगा, मोदी या नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार होता है, किसको? देखो उस टाइम तो हम लोग देखेंगे किसमें देंगे, पसंद होगा ना? पसंद होता है युवा का, क्या पसंद है? पसंद है युवा, किसको चुनेगा? हमें तो लग रहा है नीतीश कुमार को चुनना चाहिए। नीतीश कुमार काम करेंगे क्या, मोदी काम किया है देश के लिए? मोदी भी किया है, मोदी भी किया है। हाँ, तो मोदी नहीं पीएम बन सकता है, नीतीश कुमार बनेंगे? अरे नीतीश कुमार को भी बनाना जरूरी है ना। अच्छा, हाँ मोदी को बनाना जरूरी है कि नीतीश कुमार? नीतीश को। काहे? काहे लिए तो जब काम मोदी किया है तो नीतीश कुमार को। अच्छा, हर किसी को देना चाहिए ना, हर किसी को टाइम देना चाहिए। हाँ, क्या लग रहा है, किसको चुनिएगा 24 में? हम लोग तो चुनेंगे इसी को। अच्छा, नीतीश कुमार को सीएम के रूप में कि पीएम के रूप में? सीएम के रूप में। सीएम के रूप में। हाँ, अब पीएम? पीएम मोदी रहेगा। पीएम मोदी रहेगा। हाँ, चलिए पीएम मोदी रहेगा। यहाँ पे जो है और लोग आए हुए, चाचा किसको चुनिएगा? देखिए चाचा नहीं बोलेंगे, किसको चुनिएगा 24 में पीएम को? पीएम किसको चुनिएगा? वो अभी हम कैसे फैसला कर सकते हैं? अभी नहीं फैसला कीजिएगा। अगर मोदी खड़ा है सामने में, नीतीश कुमार खड़ा है, किसको चुनिएगा? नीतीश कुमार को देंगे। तो पीएम बनाइएगा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार लगता है कि विकास किए हैं, काम करेंगे? किए हैं, विकास तो बहुत किए हैं। देश के लिए काम करेंगे? देश के लिए ठीक है, अगर जब बिहार के लिए किए हैं तो देश के लिए भी करेंगे काम। चलिए देश के लिए भी करेंगे काम। यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, चाचा क्या, चाचा 24 में किसको चुनिएगा, मोदी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। काहे? देश के लिए किसको चुनिएगा? देश के लिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को चुनेंगे। चाचा किसको चुनिएगा 24 में, मोदी एक तरफ है, एक तरफ नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के चुनेंगे। नीतीश कुमार लग रहा है काम किए हैं। हाँ, दलित के लिए काम किए हैं? काम किया है। तो देश के लिए काम करेंगे जो बिहार के लिए लगता है कि काम? देश के लिए क्या करेंगे वो तो मैं नहीं बतला सकता हूँ। अच्छा, मोदी काम किए हैं देश के लिए? वो तो बहुत ठगा है। ठगे है? कुछ काम नहीं किया ना, घर घर अनाज दे दिए, गैस सिलेंडर दे दिया है। उसे ठगा, 15 लाख रुपया खाता में जाएगा,
सब जन जन खाता खोलवा दिया, वो सारा खाता खाली रह गया, वो क्या दिया है। चलिए किसको चुनिएगा 24 में, मोदी नीतीश किसको? तो समय आ गया तब ना, नहीं पसंद होता नीतीश कुमार चुनेंगे। क्या काम किया मोदी? कह रहे हम काम किए हैं हमारे बिहार, बिहार जनता, बिहार के, बिहार के लिए नीतीश कुमार ही ठीक है। हाँ देश के लिए, देश के लिए तो बस, क्या बस बस देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए तो सोचना पड़ेगा। 2024 आ गया था, 24 आ गया, सोचना पड़ेगा मोदी के बारे में क्या। बिहार के लिए तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, देश के लिए, देश के लिए तो सोचना पड़ेगा। देश के लिए किसको चुनिएगा 24 में? पहले जो हम लोग को देखेगा उनको चुनेंगे। अच्छा, चाहे वो मोदी हो या नीतीश कुमार हो, हमारे हित में जो काम करेगा हम उसे चुनेंगे। देश के लिए मोदी क्या लग रहा है, काम किए हैं? सब चीज बेच लिए हैं, सब कुछ बेच लिए हैं, एकदम काम नहीं किए हैं हमारे हिसाब से तो नहीं, नहीं और क्षेत्र में किए हैं, लेकिन ये जो निजीकरण, निजीकरण का हम विरोध करते हैं। निजीकरण का विरोध करते हैं, बाकी और काम किए हैं लग रहा है? लग रहा है काम किए, मन बदल रहा है, चाहे नीतीश कार्यक्रम मोदी की तरफ मन है दिख रहा है। वोट किसको कीजिएगा 24 में? चलिए वो बात जाने, नीतीश कुमार 24 में अगर पीएम उम्मीदवार होंगे तो नीतीश कुमार की मोदी को? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को जी। अभी कह रहे थे कि मोदी को, एक तरह बोले ना हम निजीकरण का विरोधी है, हाँ बाकी सब कुछ का सपोर्ट है। जो अच्छा किए अच्छा किए हैं। क्या लग रहा है अच्छा कौन किया है? देश के लिए जो है अभी मोदी है, 24 में खड़ा होंगे पीएम उम्मीदवार कौन, नीतीश कुमार या पीएम मोदी? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार यस। क्या लग रहा है वो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। क्या काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे काम, क्या करेंगे, क्या लग रहा है? क्या हमारे संविधान के मुताबिक, जो संविधान हमारी अधिकार की बात करता है उसके मुताबिक ये काम कर रहा है? अच्छा, अधिकार के तो विरुद्ध नहीं काम कर रहा है ये? अच्छा, तो अधिकार के जो काम कर रहा है उसको मोदी काम नहीं किए हैं? मोदी क्या काम किए हैं? देश बिक गई कैसे? मोदी काम किया तो देश कैसे बिक गया? देश बिक गया, देश नहीं बिक गया, रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, बैंक बिक गया, क्या बची हुई है आपको सो बताइए? BSNL बिक गया, आपको क्या बचल है? कुछ नहीं, सारी बैंक बिक गई, आपका बचा क्या? हाँ, 2 करोड़ नौकरी की बात कर रखे थे, क्या करोड़ नौकरी दिया अभी तक? यानी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, माइनस में उनको ले चलना चाहिए। चलिए क्या लग रहा है 24 में कौन, मोदी या नीतीश? देखिए ये राजनीति है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत बहुत काम किए हैं, कर रहे हैं। देश के लिए कौन ठीक रहेगा? हर चीज में आरक्षण दिए, देश के लिए कौन क्या है? देश के लिए आप किसको चुनिएगा? वो तो देख रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या महिला को आप आरक्षण दे रहे हैं? महिला के प्रति आप क्या कर रहे हैं? महिला को तो 35% आरक्षण तो दे दिए, दे दिए, लेकिन महिला के साथ क्या हुआ मणिपुर में? अच्छा, ये तो गलत है। नीतीश कुमार क्या किया? आपके नेता, आपके नेतागिरी करने के लिए फुर्सत है, लेकिन आपको देश के लिए जनता को क्या हो रहा है उसको फुर्सत नहीं है क्या? एक नीतीश एक नेता क्या, क्या एक नेता क्या मंदिर बनावे मस्जिद बनावे, उसका क्या है? जनता को देखना। अच्छा ठीक, मंदिर बनाना मस्जिद बनाना नहीं है। अब जो बने इसके क्या किसको अच्छा, जो भी आदमी आएंगे महागठबंधन में, महागठबंधन के जो भी रहेंगे, नीतीश कुमार को नहीं चुनिएगा? वो तो है ही। क्या लग रहा है राहुल गांधी की तरफ नजर है क्या आपका? राहुल गांधी के तरफ नहीं जाएंगे, नीतीश के साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए नीतीश के साथ हैं और नीतीश के साथ रहेंगे। लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों से बात किया है कि पीएम उम्मीदवार आखिर किस रूप में देख रहे हैं। जिस तरह से भीम संसद का आज कार्यक्रम रखा गया था, इसको लेकर के लोग यहां पहुंचे हुए थे। लोगों का क्या कुछ कहना है 24 में कौन होगा? एक तरफ नीतीश और एक तरफ मोदी हुए, तो आखिर होगा कौन? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।